नमस्कार, जन्नत की पुकार में आप सबका स्वागत है। दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके की झुग्गियों में लगी भीषण आग, अब तक 7 लोगों की मौत और कई घायल। मौके पर पहुंचे दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार। राजधानी दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में शुक्रवार देर रात भीषण आग लग गई। इस हादसे में अब तक 7 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। आग की सूचना पर 13 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। दमकल विभाग ने बताया कि फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। आग से झुलसे पीड़ितों से मुलाकात करने पहुंचे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के चौधरी अनिल कुमार ने क्या कहा, खुद ही सुन लीजिए। परिवार से मिला, मैंने मौका देखा, कुछ नहीं बचा, सब कुछ तहस नहस हो गया। गरीब के पास क्या होता है, बर्तन सब्जी बनाने के लिए 2-4 जोड़ी कपड़े होते, सब कुछ जल गया उसका। मजदूरी करते थे, कोई ठेकेदार से सामान लेके, चिप कहते हैं ना, चेन बनाने का काम कुछ उसमें थे, कुछ कूड़ा बीनता था, कोई शायद कोई छोटा मोटा और मजदूरी का काम करता था। 7 लोगों की मृत्यु हुई है, 5 एक परिवार के मरे हैं, 2 एक और परिवार हैं उनसे मरे, कुछ लोग इंजर्ड हैं। उनकी शिकायत है कि फायर ब्रिगेड समय पर नहीं आई, समय पर आती तो शायद कुछ लोग बच जाते। 12 बजे कॉल हुई, 2 बजे गाड़ी पहुँची। पुलिस के रवैये से भी संतुष्ट नहीं है, वो चाहते अपने अंतिम संस्कार के लिए बॉडी उन्हें मिले, परिवार चाहता उन्हें मदद मिले। गरीब तबका है, गरीब वर्ग है, तो ये सरकार की पोल खोलने का जो काम ये घटना कर रही है, तो अरविंद के उन दावों पे भी प्रश्न उठते हैं जो कहते हैं कि दिल्ली में सबको से सबको राशन, सबको सम्मान, सबको मकान, जहाँ झुकी वही मकान का नारा एक बार फिर झुका साबित होता है। राजीव रुद्र आवासीय योजना के तहत कांग्रेस ने जो मकान बनाए थे, ये कहना चाहता हूँ अरविंद उनको अलॉट नहीं कर पाए, वो मकान खंडर हो गए। आप लोग भी मेरे साथ गए थे बवाना में, आपने देखा था, नरेली में देखा था। तो गरीबों को यदि 45,000 मकान दे दिए जाते तो शायद हो सकता है इनमें से भी किसी एक आदमी की लॉटरी लग सकती थी, शायद इसको भी सम्मान मिल जाता, पर ऐसा तो हुआ नहीं। इसे भाषण में, प्रचार में कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, सबको सम्मान मिल रहा है, सब मजदूर को काम मिल रहा है। सच्चाई ये कि दिल्ली लोग आते हैं अपने सपनों को लेकर, कि उन 2 हाथों को मजदूरी मिले, सम्मान से अपना रह सके, अपने बच्चों को पढ़ा सके, पाल सके। यहाँ की जो हालत मैंने देखी है, सच्चाई दिल्ली की इसके विपरीत है, कुछ नहीं बदला और दिल्ली धीरे धीरे पिछड़ती जा रही है। गरीबी में और लोग और बढ़ते जा रहे हैं, मजदूरी की तरफ और धकेले जा रहे हैं, यही एक कड़वी सच्चाई। अनिल जी क्या कहेंगे, अभी तक वो जो मुख्यमंत्री यहाँ नहीं पहुँचे हैं, ट्वीट किया है लेकिन अभी तक पहुँचे नहीं है। मैंने कहा आम आदमी की बात भाषणों में, संवादों में, प्रचार में होती है, आम आदमी आज ट्वीट पर खबर देता है। ये ट्वीट कितने गरीब देखते हैं, ये ट्वीट वाला वर्ग कितना है, आपको यहाँ आना चाहिए था। यहाँ आसपास के लोग नहीं होते, आसपास की आबादी के लोग इनके दुख में यहाँ खड़े नहीं होते, तो शायद मुझे लगता है सरकार कुछ इनकी मदद कर पा। अरविंद को यहाँ पहुँचना चाहिए, उनके MLA नदारद हैं, अभी पता चला है शायद सांसद साहब भी आने वाले, समय हो चुका है, 12 बज चुके हैं, शायद अपनी जीत की खुशी में व्यस्त होंगे, गरीब के दुख में शायद आज आम आदमी का दावा करने वाला व्यक्ति आज खास बन के अपनी खुशी। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।